तो हम लोग रेस की डेफिनेशन की बात कर रहे थे, तो हमने डॉब्जेंस की डेफिनेशन लिख ली थी। तो हमने क्या बोला था, रेस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल विच आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड टू द एक्सटेंट डेट एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन देम इज एबसेंट। तो हमने क्या बोला था कि जीन जो है उनके बीच में एबसेंट हो गए, जीन का एक्सचेंज एबसेंट हो गया। आपको बोला था दो चीज़ें अंडरलाइन के लिए, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड और एक्सचेंज ऑफ जीन, सो डेट जेनेटिक डिफरेंसेज आर नॉट डिमिनिश्ड। तो ये क्या बोल रहा था कि कुछ पॉपुलेशन कहाँ चली गई, अफ्रीकन साइड यहाँ आ गई, कुछ पॉपुलेशन कहाँ चली गई, नॉर्दर्न रीजन चली गई, कुछ इक्वेटोरियल रीजन अफ्रीकन रीजन। तो इन दोनों के बीच में अब क्या हुआ है ना कि मेटिंग नहीं हो रही है, समझे, अभी दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, मेटिंग नहीं हो रही, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड मतलब इन दोनों के बीच में कोई मीटिंग नहीं हो रही, कोई मीटिंग नहीं हो रही। तो आप समझ रहे हैं ना कि इसके जीन ट्रांसफ़र इधर नहीं जाएंगे, इसकी जीन ट्रांसफ़र यहाँ नहीं जाएंगे। तो जो नॉर्दर्न रीजन में चले थे ये लोग आपस में मीटिंग कर रहे हैं, इनब्रीडिंग कर रहे हैं। इनब्रीडिंग के कारण इनमें जो कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हुई थी, जो जेनेटिक चीज़ें में चेंजेस आए थे, तो वो उन्हीं के पॉपुलेशन में सर्कुलेट हो रहे हैं, ठीक है। और जो अफ्रीकन रीजन थे, तो समझ रहे ना, अफ्रीकन रेस अपने में आप में वो करती रही, तो ये काले काले होते गए। जैसे आप अभी देखा होगा कि जैसे अमेरिका में क्या हो रहा है, पहले कुछ ब्लैक आए थे जो कि अफ्रीका से स्लेव ट्रेड वगैरह के टाइम आए थे, और यहाँ पे वाइट्स थे और ब्लैक्स थे। ब्लैक्स आपस में इंटरब्रीड करते थे तो ब्लैक ब्लैक होते था, फिर वाइट आपस में करते थे तो वाइट वाइट रहते थे। अभी कहना है उसमें क्या हो रहा है, वाइट ब्लैक में मेटिंग चालू हो गई है। तो जब तक ये लोग रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड थे तो ये लोग एक अलग से रेस थे। तो वाइट वाली थी वो हम क्या बोलते थे, इनकी वाइट रेस एक अलग होती थी, कि ब्लैक रेस इनकी अलग होती थी। इनको ये लोग क्या बोलते, नीग्रोस, निग्गा, ये सब नहीं बोलते वहाँ पे, तो वही है। तो नेग्रिटो मैन, यहाँ पे ब्लैक रेस अलग चलती थी, फिर वाइट मैन अलग से चलता था। फिर जब ये दोनों हो गए तो इन लोगों की एक मिक्स रेस आ गई, उसको मुलाटो बोलते हैं, MELLTO, आगे पढ़ेंगे अपन। तो मुलाटो सेकेंडरी रेस बन गई इन दोनों की इनब्रीडिंग से। वाइट और ब्लैक अगर आपस में ब्रीड करेंगे तो एक नई रेस आ जाएगी। तो वैसा वाला सीन था कि जब तक आप रिप्रोडक्टिव में आइसोलेटेड हो तो आपके सारे चेंजेस आपकी पॉपुलेशन में रहेंगे। तो उसको इसने क्या बोला था कि एक्सचेंज ऑफ जीन नहीं था, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन था। तो जो सारे चेंजेस थे वो एक जगह रहते थे, तो वो चीज़ डॉब्जेंस्की ने बोली थी, ठीक है। तीसरी डेफिनेशन में लिख लीजिए, जेनेटिक डेफिनेशन इसकी क्या है। तो जेनेटिकली हर बार पॉइंट अलग अलग होता जाएगा, ठीक है ना, पैराग्राफ में एक आंसर मत लिखिएगा, अलग अलग पॉइंट पे ये लिख लिया, फिर गैप छोड़ के मैंने डॉब्जेंस्की की डेफिनेशन, फिर थोड़ा गैप छोड़ के इसकी डेफिनेशन। तो जेनेटिकली रेस इज अ मेंडेलियन पॉपुलेशन विच डिफर फ्रॉम अदर पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ जीन फ्रिक्वेंसी। तो अब MENDELIAN मेंडेलियन, POPULATIA मेंडेलियन पॉपुलेशन को अंडरलाइन कर लिया। अब ये क्या बोला, जेनेटिकली रेस क्या, रेस एक मेंडेलियन पॉपुलेशन है जो कि दूसरी पॉपुलेशन से डिफर करती है इन टर्म्स ऑफ जीन फ्रिक्वेंसी। तो जीन फ्रिक्वेंसी की टर्म में वो डिफर करती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंडेलियन पॉपुलेशन। मेंडेलियन पॉपुलेशन कुछ नहीं सर, एक अलग से पॉपुलेशन हो जाती है इसका, कि हम क्या बोलते हैं, उसका खुद का एक जीन पूल होता है। तो जब तक व्हाइट अपने आप में मैटिंग करते रहेंगे तो इनका जीन पूल अलग होगा, ब्लैक अपने आप में कर रहे थे तो इनका जीन पूल अलग होगा, जब तक दोनों आपस में नहीं करते। तो वही होता है मेंडेलियन पॉपुलेशन बोला इसको, तो वो मेंडेलियन पॉपुलेशन जिनका कि जीन पूल अलग रहता है, ठीक है। तो कोई भी पूछेगा आपसे जीन पूल वगैरह क्या, मेंडेलियन पॉपुलेशन क्या, नहीं आपके कोर्स में ये सब, बस रेस के वो देख लिए कि जेनेटिकली रेस इज अ मेंडेलियन पॉपुलेशन विच डिफर फ्रॉम अदर पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ जीन फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो ये सारा हो गया कि सर हमारा ये क्या थी, रेस की क्या था, हमने अभी देख लिया क्या किसकी डेफिनेशन वगैरह क्या थी, ठीक है। फिर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बारे में क्या बात करते हैं थोड़ा सा, कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कंप्लीट नहीं होता। इससे देखिए पहले था कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कंप्लीट होता था जब वाइट और ब्लैक आपस में इंटरमेटिंग नहीं करते थे, लेकिन आजकल तो मीटिंग आपस में होने लगी, तो अब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इनकम्प्लीट हो गया, अब ये लोग आपस में मिलने लगे, तो वही चीज़ है। तो ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हाउएवर नेक्स्ट उसमें रह जाएंगे, नाउ इज नॉट कम्प्लीट एंड कॉन्टैक्ट बिटवीन डिफरेंट रेसेस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड विच रिजल्ट्स इन न्यू जेनेटिक न्यू जीन फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा सर, फॉर्मेशन ऑफ रेस। अब फिर आप सबमिट कर लीजिए फॉर्मेशन ऑफ रेस। तो ये पॉइंट आता है कि सर रेस का आखिरकार फॉर्मेशन होता कैसे, रेस बनती कैसे। तो इसमें आपके सिलेबस में क्या दिया है, ये जो प्रजाति बनती कैसे, तो उसमें आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि प्रजाति का पर्यावरण और ये जेनेटिक, इस ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो वही चीज़ है, ठीक है। तो रेस मतलब ये हमारी प्रजाति हुई वाला सारा सीन चल रहा है। तो सर रेस बनती कैसे, इस पर थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर इस पर अपन थोड़ा सा डायग्राम वगैरह सब बता के आपको बना देंगे कि कैसे होता है। तो इसमें लिख लीजिए, रेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय
यूनिक जेनेटिक फ्रिक्वेंसीज। तो रेस ऐसा ग्रुप है पॉपुलेशन का जिनकी यूनिक जेनेटिक फ्रिक्वेंसी है। तो ऐसे लिखे रेस इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच हैज यूनिक जेनेटिक फ्रिक्वेंसी एंड द रेस फॉर्मेशन डिमांड्स चेंज इन जीन फ्रिक्वेंसी वाया माइक्रो एवोल्यूशन। ठीक, तो रेस में आप चेंजेस कैसे लाएंगे, बाय माइक्रो एवोल्यूशन आप रेस में चेंजेस लाएंगे, तो ये वो बात बोलता है। ठीक है, फिर जो रेस में जो भी चेंजेस आता है ना सर, आपका रेस में जो भी आपके चेंजेस आएंगे वो दो तरीके से आते हैं, हेरिडेटरी और एनवायरनमेंट। तो ये बोलते हैं कि दोनों फैक्टर्स का काम है, आप बताइए कि कैसा किस फैक्टर से होता है। तो वो वाली आप सब हेडिंग डालिए कि रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन एनवायरनमेंट, सॉरी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन रेस फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें ये बोल रहा है कि जो रेस है उसका एनवायरनमेंट और हेरिडिटी कैसे क्या बनता है, तो वही है इसका। ठीक है, तो जैसे इसमें जो आपके हिंदी वाले हैं इसमें भी माना जाता है कि मानव की प्रजाति और ये जो है, मतलब इसमें वही ऐसा एनवायरनमेंट और हेरिडिटी की बात कर रहा है, आपके हिंदी में भी इसमें यही रहेगा। तो मैं फिर बता देते हैं, ठीक है देख लीजिएगा इसका। ठीक है, तो इसमें क्या रहते हैं कि प्रजातियों की रचना में अनुवंशिकता तथा वातावरण की भूमिका। तो यह हेरिडिटी को क्या बोला, अनुवंशिकता, और एनवायरनमेंट को क्या बोला, वातावरण। तो इन दोनों की जो भूमिका है उस पर बात कर रहे हैं कि सर ये बनता कैसे। तो या तो पहले आप पीपीटी देख लीजिए तो आपको समझ में आता जाएगा। ठीक, पहले देखिए कि हो क्या रहा है। ठीक, तो हमने क्या बोला, पहले ऐसे समझ लिए फिर इसको लिख लेंगे कि रेस फॉर्म हो कैसे रही है। तो हमने क्या बोला कि भाई एक आदमी था, वो कहाँ गया, डिफरेंट ज्योग्राफिकल कंडीशन है, डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में चले गया। तो ऐसी जगह चले गया जहाँ पे कि ज्योग्राफी चेंज थी, ज्योग्राफी चेंज थी तो उसके कारण क्या होगा, उसका एनवायरमेंट चेंज होगा। मान लिया वो गर्म इलाके से एकदम से ठंडे में चले गया, तो अलग ज्योग्राफी में चले गया, अलग ज्योग्राफी में चले गया तो उसका एनवायरमेंट स्ट्रेस उस पर अलग पड़ेगा, एनवायरनमेंट स्ट्रेस उस पर अलग पड़ेगा। तो उसके कारण क्या होगा, उसकी बॉडी उस हिसाब से चेंज करेगी, अपने आप को अडाप्ट करेगी ना चेंज के हिसाब से। तो इसमें क्या जाएगा सर, डिफरेंट जेनेटिक म्यूटेशन, ये क्या लिखा है, डिफरेंट जेनेटिक म्यूटेशन मॉर्फोलॉजिकल एंड अडाप्टेशन। तो इसमें बहुत सारे जेनेटिक म्यूटेशन हो जाएंगे, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएंगे और अडाप्टेशन हो जाएगा। फिर इन चेंजेस के ऊपर क्या काम करेगा, नेचुरल सेलेक्शन। हमने सेलेक्शन में पढ़ा था, नेचुरल सेलेक्शन प्रोसेस होती है जो कि वेरिएशन पे काम करती है, फिर वो देखती है कि कौन सा वेरिएशन आपके लिए फायदेमंद है उसको आगे बढ़ाती है, जो फायदेमंद नहीं रहता उसको रोक देती है। प्रोसेस है नेचुरल सेलेक्शन की, हमने डार्विनिज्म में पूरा पढ़ा था। तो नेचुरल सेलेक्शन काम करके क्या बोलेगा, डोमिनेंट कैरेक्टर्स नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। अब वो कैरेक्टर जो कि सर्वाइवल के लिए नेसेसरी हैं, उन कैरेक्टर्स को नेचुरल सेलेक्शन चूज करके आगे बढ़ा देगा, उन डोमिनेंट कैरेक्टर्स को। उस कैरेक्टर्स जब पॉपुलेशन में जाएंगे तो एक सब स्पीसीज बन जाएगी या एक रेस बन जाएगी। तो सर ऐसे फॉर्मेशन ऑफ रेस होता है। ठीक है, हमने क्या बोला, सबसे पहले बंदा एक डिफरेंट ज्योग्राफी में चले आएगा, डिफरेंट ज्योग्राफी में जाएगा तो ज्योग्राफी में जाने के कारण उस पर क्या क्या डिफरेंट एनवायरमेंटल स्ट्रेस आएगा, फिर उसके कारण उस पर जेनेटिक मॉर्फोलॉजिकल ये सारे वेरिएशन आ जाएंगे। ठीक, फिर नेचुरल सेलेक्शन उस पर काम करेगा, उसके बाद उस पर डोमिनेंट कैरेक्टर्स आ जाएंगे और वो सब स्पीसीज और रेस बन जाएगी। ठीक, तो आप रोक के ये वाला डायग्राम बना लीजिए, वही है नेचुरल सेलेक्शन है। नेचुरल सेलेक्शन क्या करता है, वो फेवरेबल फिनोटाइपिक टाइप, फेवरेबल मतलब कि वो जो कि आपको सर्वाइवल में हेल्प करे, आप डिफरेंट एनवायरनमेंट में गए तो आपका सर्वाइवल के लिए जो हेल्प करेगा उसमें बोला फेवरेबल फिनोटाइपिक। फिनोटाइपिक मतलब कि जो आपके ऊपर वाले चेंजेस होते हैं, बॉडीली चेंजेस जो होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल, वो सारे चेंजेस में तो सर्वाइवल अपने जीन पास करेगा और नई रेस फॉर्म हो जाएगी। ठीक, तो ये वाला बना लिए ज़्यादा अच्छा है, और ये बस नेचुरल सेलेक्शन से चालू होता है, दोनों बना लीजिए। तो मेन वैसे ये वाला डायग्राम रहेगा आपका, रोक के आप आराम से बना लिए। तो ये ऐसा था कि भाई रेस फॉर्म कैसे होती है। ठीक, तो वीडियो रोक के आराम से डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, फिर आपने डायग्राम बना लिया होगा, फिर ये भी वही रेस फॉर्मेशन है कि नेचुरल सिलेक्शन कैसे काम करता है। तो बेसिकली वो इस बात में आता है कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो तीन चीज़ों पर एक्ट करता है, जीन म्यूटेशन, हाइब्रिडाइजेशन और इनब्रीडिंग पे। उससे माइक्रो एवोल्यूशन होता है, माइक्रो एवोल्यूशन से सब स्पीसीज बनती है। तो ये भी बना सकते हैं, आराम से रोक के डायग्राम बना लिए वाला।
वो यही बात कर रहे हैं। तो अब फिर अगर बात की है कि भाई एनवायरनमेंट और जीन का कैसा क्या असर आता है, तो वो रहता है। तो अब इस पर थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर आते हैं। हेरिडिटी इज दी जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल। एनवायरनमेंट रिफर्स टू एवरीथिंग एक्सेप्ट जेनेटिक्स। फिर अभी हम क्या कह रहे हैं, हेरिडिटी एनवायरनमेंट, आपका वो कोर्स में था ना कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या वो है, तो वही नहीं था, अनुवंशिकता तथा वातावरण की भूमिका। तो जो अनुवंशिकता है या फिर ये हेरिडिटी है, उसका क्या रहेगा, हेरिडिटी एज सच डज नॉट प्ले एनी रोल इन रेस फॉर्मेशन। तो हेरिडिटी का कोई रोल नहीं है रेस फॉर्मेशन में, तो ये बोला हेरिडिटी एज सच डज नॉट प्ले एनी रोल इन रेस फॉर्मेशन। इट्स ओनली फंक्शन इज टू पास द जेनेटिक वेरिएशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। विदाउट वेरिएशन पासिंग ऑन वॉन्ट लीड टू एनी चेंज इन जीन फ्रिक्वेंसी। तो वो क्या बोला, हेरिडिटी का मतलब है तो बस पास करना नेक्स्ट जनरेशन में। जीन फ्रिक्वेंसी में चेंज कैसे आएगा, वहां से रेस बनती है। तो हेरिडिटी की वजह से रेस फॉर्मेशन एसच नहीं होता, उसे पास करता है जीन को नेक्स्ट जनरेशन में। अब जीन फ्रिक्वेंसी में चेंज कैसे आता है, एनवायरनमेंट का लिखिए, अब एनवायरमेंट फिर कैसे कर रहे हैं, तो फिर लिख लिए, बट एनवायरमेंट इज डायनेमिक इन नेचर। ये नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा एनवायरमेंट वाला। तो बट एनवायरमेंट इज डायनेमिक इन नेचर, जेनेटिक म्यूटेशंस कॉज बाय एनवायरमेंट देन नेचुरल सेलेक्शन एक्ट ऑन दीज जेनेटिक म्यूटेशंस टू चूज दी फेवरेबल वंस। ठीक है, फिर इस पर जेनेटिक म्यूटेशन काम करता है ताकि फेवरेबल वन को चूज कर सके। ठीक, तो हमने क्या बोला, जेनेटिक म्यूटेशन आर कॉज बाय एनवायरमेंट, देन उसके बाद जेनेटिक म्यूटेशन के बाद नेचुरल सेलेक्शन एक्ट ऑन दीज टू चूज फेवरेबल म्यूटेशन। फिर इसमें लिखिए, बट देयर आर ऑल्सो कल्चरल पार्ट ऑफ एनवायरमेंट। तो कल्चरल मतलब क्या है, देयर इज समथिंग मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरमेंट भी है कुछ, तो वही लिखिए, बट देयर इज ऑल्सो मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरमेंट विच इज कल्चरल इन नेचर विच लीड्स टू हाइब्रिडाइजेशन, HYBRIDIZATION, हाइब्रिडाइजेशन, इन ब्रीडिंग, INBRWDING, इन ब्रीडिंग एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो हमने क्या बोला, एनवायरनमेंट एक तो आपका नेचुरल एनवायरनमेंट होता है कि आप अलग से दूसरी जगह चले गए, तो आपका क्या हो गया सर, नेचुरल एनवायरनमेंट। फिर वो क्या बोल रहे, जो तीन चीज़ें ना आपकी, हाइब्रिडाइजेशन, इनब्रीडिंग, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये आपका मैनमेड पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। मैनमेड कैसा, इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग हम क्या बोल रहे हैं कि भाई सेम ग्रुप या फिर सेम एक कम्युनिटी है वो आपस में इनब्रीड इनब्रीड कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ कि भाई मुस्लिम की शादी मुस्लिम हो रहा है, तो वो लोग आपस में इनब्रीड कर रहे हैं। मुस्लिम्स में ऐसा होता है सर, बहुत सारे अपने ग्रुप में शादी करते हैं, कंसेंगनस मैरिज करते हैं, तो सेम जीन फॉरवर्ड होते हैं। ठीक है, तो कंसेंगनस मैरिज आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें आएगा इनब्रीडिंग, इफेक्ट ऑफ इनब्रीडिंग में हम कंसेंगनस मैरिज भी देखेंगे। ठीक है, कंसेंगनस मैरिज मतलब अपने कजन से, अपनी फैमिली से रिलेटेड वालों से शादी करना, तो आप लोग रिलेटेड होने कॉमन एंसेस्टर्स से, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, इनब्रीडिंग। तो एक चीज़ तो कल्चरल है, हाइब्रिडाइजेशन उल्टा हो जाता है, इसमें क्या बोलते हैं, आप अपने ग्रुप से बाहर, ग्रुप वन ग्रुप टू, आप अपने ग्रुप से बाहर शादी करोगे, तो हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या हो रहा है कि जीन का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कल्चरल पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट है, तो वही इसने समझाया है। ठीक, तो हमने क्या देख लिया कि इसका फॉर्मेशन में क्या काम करता है, हेरिडिटी का क्या काम है, कुछ काम नहीं, वो सब पास करता है। एनवायरनमेंट का क्या काम है, एनवायरनमेंट चेंज लाता है। ठीक है, तो हमने एनवायरनमेंट लिख लिया, हमने हेरिडिटी देख लिया। दस रेस इज फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ बोथ एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया कि जो रेस है वो एनवायरनमेंट और हेरिडिटी दोनों के फॉर्मेशन से बनती है। ठीक, तो इस पर कंक्लूडिंग लाइन लिख लीजिए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HUMN ह्यूमन GNOME जीनोम PROJECT ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट फर्स्ट रिपोर्ट कंक्लूडेड दैट ऑल ह्यूमन पॉपुलेशन आर 99.99% सिमिलर, जेनेटिक वेरिएशन ऑफ 0.01% आर नॉट इनफ टू वॉरेंट क्लासिफिकेशन। मैंने जो प्रोजेक्ट क्या बोलता है, ओवरऑल पॉपुलेशन की जेनेटिक मेकअप ऑलमोस्ट सेम ही है, तो ऐसा डिफरेंस होना नहीं चाहिए। तो वैसे कि ठीक है, हमने रेस फॉर्मेशन देख लिया पूरा,
हमने हेरिडिटी का रोल देख लिया, हमने एनवायरनमेंट का रोल देख लिया, फिर आप रेस फॉर्मेशन को डिस्क्राइब कैसे कर देंगे? तो रेस फॉर्मेशन को आप इस वाले डायग्राम से बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर देंगे कि कैसे चेंज हो रहा है। पहले डिफरेंट जोग्राफी में जाओगे, फिर स्ट्रेस आएगा, फिर अडाप्टेशन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, फिर उस पर नेचुरल सेलेक्शन काम करेगा, उससे डोमिनेंट कैरेक्टर पास होंगे और फिर वो कैरेक्टर एक अक्यूमुलेट होकर एक सब स्पीस बना देंगे और रेस बन जाएगी। ठीक, तो समझ लोगे ना तो एग्जाम में अपने आप आएगा। हमने क्या बोला, ज्योग्राफी आ गई, ज्योग्राफी में एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से स्ट्रेस, स्ट्रेस से अडाप्टेशन, अडाप्टेशन पर नेचुरल सेलेक्शन काम करेगा, नेचुरल सेलेक्शन अपने ऊपर काम करके हमें क्या दे देगा, एडवांटेजेस फीचर दे देगा, वो एडवांटेज जगह एक्यूमुलेट होकर सब स्पीसीज बना देंगे और इसी को हम क्या बोल देते हैं, रेस। ठीक है, तो मेरा आपका डायग्राम ये हो गया। वही चीज़ इन्होंने बोली कि नेचुरल सेलेक्शन इन तीनों चीज़ों पे काम करेगा, उससे माइक्रो इवोल्यूशन होगा, उसी से सब स्पीसीज रेस का फॉर्मेशन होगा। तो कोई भी एक डायग्राम जो आपको ईजी लगे वो आप बना सकते हैं, 3-4 और फिर उसको आप याद कर सकते हैं। फिर रोल ऑफ एनवायरनमेंट वाली जो बात आ रही थी, वो एनवायरनमेंट चेंज होगा, एनवायरनमेंट चेंज के कारण क्या होगा, जेनेटिक म्यूटेशन वगैरह हो जाएगा, इस पर नेचुरल सेलेक्शन काम करेगा उसके बाद, और नेचुरल सेलेक्शन हाइब्रिडाइजेशन इनब्रीडिंग जेनेटिक ड्रिफ्ट पे भी काम करेगा। तो आप देख रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, दोनों पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट हमने कवर कर लिए। हमने दो बात की थी, एक तो नेचुरल एनवायरनमेंट ही होगा और एक ये वाले क्या होगा, कल्चरल एनवायरनमेंट, मतलब मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तो दोनों पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट पे एक्ट करके फेवरेबल फीचर्स पे एक्ट करेगा और उससे हमारा रेस बन जाएगी आगे। ठीक है, तो हमने क्या बोला, रेस फॉर्मेशन इज कॉज्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ बोथ एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी। ठीक है, कही था सर कि एनवायरनमेंट और हेरिडिटी दोनों के ही कॉम्बिनेशन से जो है वो रेस बन जाएगी। ठीक है, तो फॉर्मेशन हो गया। अब अगली हेडिंग डालिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस, CHARAC, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस, CHARAC, TRISTICS, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस। ठीक है, इसमें लिख लीजिए, कैरेक्टर्स ऑफ रेस में लिखे कि रेस है क्या, तो वही बात कर रहे हैं कि अब इसमें थोड़ा सा लिख रहे कि रेस इज अ बायोलॉजिकल कंसेप्ट एंड ओनली बायोलॉजिकल रेसेस एग्जिस्ट। मतलब हम क्या बोले सर, दो कंसेप्ट आते हैं, रेस और रेसिज्म। रेस जो है वो एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट है। हमने एक कंसेप्ट क्यों बनाया था कि भाई हमको ह्यूमन की स्टडी करने में आसानी हो, इसलिए नहीं बनाया था कि ऊपर नीचे ग्रुपिंग हो जाए, वो हम रेसिज्म में पढ़ेंगे। हुआ क्या था, आपको पता ही होगा कि ऐसे व्हाइट मैन बर्डन बोलते हैं कि जो व्हाइट रेसेस थी वो क्या बोलते हैं, हम गोरे हैं इसलिए हम बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, हम ज़्यादा दिमागदार हैं, सारी चीज़ें पहले बोलते थे, इसको व्हाइट मैन बर्डन बोलते थे। तो वही था रेस का पहले वाला चलता था क्या, अब तो रेसिज्म एज अ मिथ माना जाता है। तो वही है, तो रेस क्या, रेस एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, रेसिज्म एक कल्चरल कंसेप्ट है। तो रेस इज अ बायोलॉजिकल कंसेप्ट, ओनली बायोलॉजिकल रेसेस एग्जिस्ट। ठीक, रेस इज डिफरेंट फ्रॉम नेशनल स्लैश रिलीजियस स्लैश कल्चर ग्रुप। ठीक है, फिर रेस कैरेक्टरिस्टिक्स इज बेस्ड ऑन फिनोटाइपिक ट्रेट्स। मतलब हमने बोला था कि फिनोटाइपिक वेरिएशन के बेसिस पर रेस बनती है, तो रेस कैरेक्टर्स बेस्ड ऑन फिनोटाइपिक ट्रेट्स ब्रैकेट में लाइक स्किन कलर कॉमा हेयर फॉर्म एक्सेट्रा। तो स्किन कलर हेयर फॉर्म इन सब के बेसिस पे बनता है। फिर रेस इज अ क्लासिफिकेशन डिवाइस इन जूलॉजिकल फ्रेमवर्क। तो रेस है क्या, रेस बस एक क्लासिफिकेशन डिवाइस है इन जूलॉजिकल फ्रेमवर्क विच प्रोवाइड्स स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस। तो रेस एक बस जूलॉजिकल फ्रेमवर्क में क्लासिफिकेशन है जिससे कि हमें स्टडी करने में आसानी होती है ह्यूमन रेस की, बस वही है। ठीक है, फिर रेस इज अ ग्रुप हायर इन हायरार्की टू पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये क्या, रेस इज अ ग्रुप है जो कि हायर इन हायरार्की पॉपुलेशन से ऊपर है। मतलब क्या बोला, विद इन अ रेस भी डिफरेंट ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन हो सकते हैं, एक ही रेस है उसमें पॉपुलेशन P1 पॉपुलेशन P2 ऐसा हो सकता है। तो रेस जो है वो हायर इन हायरार्की है पॉपुलेशन से, तो ये बात बोल रहे हैं। ठीक, तो ये आपके हो जाएंगे सर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस। ठीक है, इतनी तो बहुत ज़्यादा होगी कि आपने क्या बोला कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन वगैरह है, डिफरेंट फ्रॉम नेशनल और रिलीजियस ग्रुप से अलग अलग हैं। ठीक है, और एक दो और लिख लीजिए। तो रेस जो ऊपर वाली लिखी थी ना कि जेनेटिकली रेस इज अ मेंडेलियन पॉपुलेशन हु आर जस्ट डिफरेंट इन जीन फ्रिक्वेंसी, वही वाला पॉइंट आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो रेस मतलब दोनों मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस और जेनेटिक डिफरेंस। तो एक कैरेक्टरिस्टिक में लिखिए जेनेटिकली डिफरेंट, रेसेज आर जेनेटिकली डिफरेंट। ठीक है,
तो ये सारी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई थी। बीच बीच में जो रेसेस वो जेनेटिकली डिफरेंस होती है, नेचुरल सेलेक्शन इम्पैक्ट करता है पॉपुलेशन से हायर ग्रुप में, एक कल्चरल ग्रुप नहीं है, रिलीजियस ग्रुप नहीं है, तो ये सारी चीज़ें। और एक और इसमें अच्छा पॉइंट लिखिए कि रेस इज नॉट अ कैटेगराइजेशन डिवाइस फॉर हायर और लोअर क्राइटेरिया पर्पस। तो ये क्या बोला सर, दो चीज़ें बोली हमने। क्या बोला कि रेस एक कैटेगराइजेशन डिवाइस नहीं है। कैटेगराइजेशन डिवाइस मतलब इन्होंने क्या बोला कि आपने रेसेस की कैटेगरी बना दी, आपने कुछ रेसेस को बोल दिया हायर और कुछ रेसेस को बोल दिया लोअर। तो जो रेस जो हमने क्राइटेरिया बनाया था वो इसलिए नहीं बनाया था, हमने रेस का क्राइटेरिया क्यों बनाया था, ताकि भाई हम बस क्लासीफाई कर सकें ह्यूमन को। तो रेस का एक क्लासिफाइंग डिवाइस है, ना कि कैटेगराइजिंग डिवाइस है। तो हम बस क्लासिफाई कर सके ह्यूमन को कि ह्यूमन है, ह्यूमन पॉपुलेशन है। तो ये जो ह्यूमन पॉपुलेशन है अलग रेसेस R1, R2, R3 में डिवाइडेड है, तो इससे हमें इनको पढ़ने में आसानी होगी कि भाई ऐसा क्या हुआ कि एक R1 रेस बन गई, ऐसा क्या हुआ कि R2 रेस बन गई। तो हमने बस स्टडी पर्पज के लिए हिसाब से रेस का कंसेप्ट बनाया था, लेकिन लोगों ने इसको क्या कह दिया, कैटेगराइज में डिवाइड करने लगे कि भाई व्हाइट मैन बर्डन, गोरे रेस ज़्यादा वो ताकतवर वैसा वाला है, तो व्हाइट मैन, व्हाइट रेस ज़्यादा सुपीरियर है, ब्लैक रेस को हम लोग कैसा बोलते हैं कि भाई वो इन्फीरियर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चालू हुई। तो इसलिए बोलते हैं कि रेस इज नॉट अ कैटेगराइजेशन डिवाइस फॉर कैटेगराइजिंग रेस इंटू हायर और लोअर स्टेटस, बट इट इज ओनली अ क्लासीफाइंग डिवाइस टू क्लासीफाई एंड स्टडी ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, बस क्लासिफिकेटरी डिवाइस थी, कैटेगराइजेशन डिवाइस नहीं थी। ठीक है, फिर आप आगे जाइए, डालिए टाइप्स ऑफ रेसेस। इस हेडिंग के अंदर जाएगा आपका टाइप्स ऑफ रेसेस के अंदर, पहले लिखिए प्राइमरी रेस। रेस दो टाइप की होती है, प्राइमरी रेस और सेकेंडरी रेस। ऐसे बना दीजिए, टाइप ऑफ रेसेस बना लिए, एक छोटा सा डायग्राम बना दीजिए। ये बात हुई थी, हमने डायग्राम फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक ये सब कर लिया। अब हम किस पे आगे, टाइप्स पे आगे। टाइप्स ऑफ रेसेस में आपको क्या करना है, ऐसा छोटा सा डायग्राम बना लीजिए। ये एक प्राइमरी रेस लिख लीजिए और एक सेकेंडरी रेस लिख लीजिए, प्राइमरी और सेकेंडरी यहाँ पे टाइप्स के अंदर। तो एक डायग्राम का फिर प्राइमरी रेस के नीचे लिख लीजिए, प्राइमरी रेस इज वन विच हैज बीन मॉडिफाइड ओनली बाय ऑपरेशन ऑफ एवोल्यूशनरी फैक्टर। प्राइमरी रेस हैव बीन डिफ्रेंशिएटेड बाय अर्ली ज्योग्राफिक एंड जेनेटिक आइसोलेशन। ठीक है, तो वो जो कि सिर्फ इवोल्यूशन के बेसिस पे बनी वो प्राइमरी रेस है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, जैसे नेग्रोइड, मंगोलॉइड, कॉकोसॉइड, ये तीन जो थी ये हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी रेस थी। प्राइमरी रेस में हम लोग क्या बोल रहे हैं सर, कि वो रेस जो सिर्फ और सिर्फ इवोल्यूशन फैक्टर्स पे बनी है, तो ऐसे नेग्रोइड, मंगोलॉइड, कॉकोसॉइड, ये सब जो है प्राइमरी रेस है। ये अपने अपने एनवायरमेंट में रह रहे थे इसलिए नेग्रोइड फीचर्स आ गए इनमें। ठीक है, बाय इवोल्यूशनरी फोर्सेस, खुद ही में इवोल्यूशन हुआ इस चक्कर में बनी है। ठीक है, और फिर जो इन दोनों के मिक्सचर से बनेगी वो हम क्या बोल देंगे, सेकेंडरी रेसेस। ठीक, तो सेकेंडरी रेसेस के नीचे लिख लीजिए, रेसेस विच इज फॉर्म या विच हैव कॉम्बिनेशन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड मैट्रिक फीचर्स अफेक्टेड बाय लॉन्ग कंटिन्यूस इंटरब्रीडिंग ऑफ टू और मोर प्राइमरी रेसेस। मतलब ये क्या बोला, सेकेंडरी रेस क्या है, विच इज़ फॉर्म बाय इंटरब्रीडिंग ऑफ टू और मोर प्राइमरी रेसेस। तो दो से ज़्यादा प्राइमरी रेसेस जो हैं उनके इंटरब्रीडिंग से जो बनेगा वो हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी रेसेस। ठीक, फिर आगे लिख लीजिए एग्जाम्पल इसका क्या है, लाइक ऑस्ट्रोलॉइड और आर्केक कॉकोसाइड, AUSTRALOID ऑस्ट्रोलॉइड और ARCHAICARCAIC, CAUCASOID काउकेसोइड, CAUCASOID। ठीक, तो हमने क्या बोला है सर, टाइप्स ऑफ रेसेस क्या है। ठीक, तो ये पूरा हो गया हमारा कि सर रेस क्या है, रेस बनती कैसे है, टाइप्स ऑफ रेसेस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो हमने रेस का सारा ये देख लिया। ठीक है, इसका हल्का सा रेशियल क्लासिफिकेशन पे डाल दिए, रेशियल क्लासिफिकेशन बोले, इसी में थोड़ी सी हेडिंग है। तो रेस आर क्लासिफाइड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक, या छोड़िए यहीं तक, रेस का यहीं पे कर दीजिए, खत्म ही कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका रेस हो गया, रेस क्या है, रेस कैसे बनी थी, ये सब। और फिर क्या है, तो कंक्लूजन में ये लिख लिए, रेस इज अ बायोलॉजिकल कंसेप्ट, कंक्लूजन हेडिंग डाल के, रेस इज अ बायोलॉजिकल कंसेप्ट
whereas racism is a cultural concept. ठीक है, तो यहाँ से आपका रेस रेस जो था वो पूरा खत्म हो गया कि सर रेस आएगा तो रेस की डेफिनेशन, रेस के टाइप्स, ये सब. तो मतलब क्या प्रजाति, रेस मतलब क्या हुआ हमारा प्रजाति. अब हम किस चीज़ की बात करेंगे कि प्रजाति वर्गीकरण के आधार व विशेषताएं. ठीक है, तो प्रजाति वर्गीकरण का मतलब क्या है, जैसे आपके हिंदी लोग जो हैं उनके सिलेबस से क्या सही है कि प्रजाति वर्गीकरण के आधार एवं विशेषताएं, चर्म के रंग, केश, ढांचा, खोपड़ी, चेहरे की बनावट, नाक, आंख, रक्त समूह के प्रकार का अध्ययन, ये सारी चीज़ें. तो वही चीज़ है, तो रेस तो अभी हो गया कि हमें समझ में आएगा कि भाई रेस क्या है. हमने बता दिया डिफरेंट क्राइटेरिया, ये सब होता है मॉर्फोलॉजिकल फिनोटॉपिकल क्राइटेरिया, बनी कैसे ये सब. अब वो क्या बोला, जो वर्गीकरण है मतलब कि क्लासिफिकेशन है, तो आपने रेस का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया. तभी हमने पढ़ा था कि एक क्लासिफिकेटरी डिवाइस है, तो वो बोल रहा है कि रेशियल क्लासिफिकेशन या फिर वर्गीकरण. ठीक है ना, तो वही बोल रहा है क्लासिफिकेशन या फिर वर्गीकरण, ऐसे कुछ आएगा. हिंदी वाले थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना. ठीक है, वर्गीकरण. तो वर्गीकरण में वो क्या बोल रहा है कि किस बेसिस पे आपने उसको किया. तो हम क्या बोलते हैं सर, बहुत सारे तो इसने खुद ही लिखा है कि चर्म का, आँख का कलर, इसका कलर, उसका कलर. तो हमने अभी क्या बोला था कि रेस क्या है, रेस वो जिनके अलग मॉर्फोलॉजिकल फीचर हैं, उनकी आँख कुछ अलग होगी, किसका सर ऐसा फ्लैट होगा, किसका सर ऐसा बल्बस होगा, ठीक है, किसका चेहरा ऐसा बड़ा होगा, किसका चपटा होगा. तो उस सब हिसाब से क्लासिफाई किया. तो दो तीन तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हो. एक तो ऐसी चीज़ें जो कि आप देख सकते हो, उसे आप नाप नहीं सकते. ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोस्कोपिक. अभी आ जाएगा मॉर्फोस्कोपिक. मॉर्फोस्कोपिक की चीज़ें कैसी, जिनको कि आप देख सकते हैं बट नाप नहीं सकते. जैसे कि अभी मैं बोलूँ आपका आँख का कलर, आँख का कलर आप देख के बता सकते हो कि भाई नीला है, पीला है, या फिर काला है, या ब्राउन है. तो इस हिसाब से क्लासिफिकेशन कर लिया. आपके बालों का कलर, आपके बालों का फॉर्म, तो आई कलर, हेयर कलर, हेयर फॉर्म, ये सारी चीज़ें क्या है, मॉर्फोस्कोपिक, जिनको आप नाप नहीं सकते. फिर कुछ चीज़ें जिनको आप नाप सकते हो, उनको हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोमेट्रिक. तो इन चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, नाप सकते हो. फिर कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि जेनेटिक के बेसिस पे, तो उस बेसिस पे आप क्राइटेरिया करोगे. कुछ डीएनए क्रोमोसोम उस बेसिस पे, उस पर क्राइटेरिया करोगे. एक और था पॉलीजेनेटिक बेसिस. पॉलीजेनेटिक बेसिस वाला कौन सा है, जैसे कि बहुत सारे जीन्स का, जिस पर जैसे डर्मेटोग्लाइफिक्स वगैरह है वो सब. ठीक है, तो ये सारा आएगा, अभी आपको डायग्राम ही बता देते. तो बस ये समझिए, मॉर्फोस्कोपी जिसको आप नाप नहीं सकते, मॉर्फोमेट्री इसको आप नाप सकते हो. नाप कैसे सकते हो, जैसे मैं बोलूँ हाइट, हाँ भाई हाइट को तो सेंटीमीटर इसमें नाप सकते हैं एक स्केल बना के. जैसे फेशियल इंडेक्स, तो फेशियल इंडेक्स को आप नाप सकते हैं, आपका चेहरा कैसा है, लोग कैसे लेंथ बाय ब्रेथ इस फॉर्म में नापते हैं. ठीक है, कि फेस की लेंथ कितनी है, ब्रेथ कैसा है. तो ऐसा फेशियल इंडेक्स, नेसल इंडेक्स, सेफालिक इंडेक्स, ये तीन चीज़ें जिनको अपन नापते हैं. जेनेटिक बेसिस पर ब्लड ग्रुप, सेरोलॉजिकल क्राइटेरिया, हीमोग्लोबिन कैसा है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आगे आएंगी. ठीक, तो इस बेसिस पर हम सर इसका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन करते हैं. अब आप देख लिए कैसा है. ठीक, तो ये है रेशियल क्लासिफिकेशन. दिख रहा है ना दूसरे, हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं. तो आप आराम से वीडियो रोक के ये वाला पहले पूरा एक डायग्राम बना लिए. ठीक है, तो है क्या बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ रेशियल क्लासिफिकेशन. ठीक, तो हमने क्या बोला सर, दो टाइप के होते हैं. हमने क्या बोला, आप रोक के बना लीजिए, फिर इसको डिस्कस कर लेते. ठीक, होपफुली आपने बना लिया होगा. तो देखिए, पहला हमने क्या बोला मॉर्फोलॉजिकल, दूसरा हमने क्या बोला जेनेटिक. मॉर्फोलॉजिकल में दो टाइप के होते हैं. मॉर्फोलॉजी मतलब आपकी बॉडी वॉडी से रिलेटेड. मॉर्फो तो मॉर्फोस्कोपिक, जिनको कि आप नाप नहीं सकते, आप इनको मेजर नहीं कर सकते. ठीक है, मॉर्फोमेट्रिक जिनको कि आप मेजर कर सकते हो. तो आप आँख का कलर, आई स्किन का कलर, हेयर का कलर, आपका स्ट्रक्चर कैसा है, इन सब चीज़ों को आप मेजर नहीं कर सकते, तो ये सब क्या होगी, मॉर्फोस्कोपिक. मॉर्फोमेट्रिक जिनको कि आप नाप सकते हो, तो एफ आई मतलब फेशियल इंडेक्स, एफ एस सी आई एल फेशियल इंडेक्स, एन ए एस ए एल नेसल इंडेक्स, सी पी एच ए एल आई सी सेफेलिक इंडेक्स, स्टेचर इंडेक्स. ठीक है, इसको देख लीजिए, फेशियल इंडेक्स, एफ ए सी आई एल आई एन डी एस फेशियल इंडेक्स, एन ए एस ए एल नेसल इंडेक्स, सी पी एच एल आई सी सेफेलिक इंडेक्स, और ये स्टेचर इंडेक्स. ठीक, ये हो गया आपके मॉर्फोलॉजिकल. फेशियल इंडेक्स कैसे, फेस की लेंथ बाय ब्रेथ, एल बाय बी मतलब फेस की लेंथ बाय ब्रेथ, मतलब लंबाई बाय चौड़ाई. तो आप चेहरे की लंबाई व चौड़ाई के हिसाब से इसको, चेहरे को उसको कर सकते हैं. ये क्या जाएगा हमें, जनजातीय प्रजाति वर्गीकरण का बेस आ जाएगा एक. ठीक है, वहीं नेजल इंडेक्स, सेफालिक इंडेक्स को कैसे मेजर करते हैं, ब्रेथ बाय लेंथ बस. तो फेशियल में याद रखिएगा, चेहरे में लेंथ बाय ब्रेथ आता है, बाकी हर जगह ब्रेथ बाय लेंथ आता है. तो नाक की ब्रेथ बाय नाक की लेंथ. ठीक है, सेफालिक इंडेक्स आपका सर वाला होता है, तो सर की ब्रेथ बाय सर की लेंथ. ठीक,
फिर जेनेटिक क्राइटेरिया दो तीन टाइप के होते हैं, मोनोजेनेटिक पॉलीजेनेटिक ये सब है। तो मोनोजेनेटिक बोले सिंपल जो उससे असर आ रहा है, ये दो टाइप के होते हैं, सेरोलॉजिकल नॉन सेरोलॉजिकल। सेरोलॉजी मतलब होता है जो आपके बॉडीली फ्लूड वगैरह जो निकलते हैं वो क्या है, सेरोलॉजिकल क्राइटेरिया। तो जो भी अपनी बॉडी फ्लूड जैसे ब्लड हो गया, HLA सिस्टम, G6PD एंजाइम, इम्यूनोग्लोबिन, तो ये सारी चीज़ जो है ना, एंटीबॉडी वगैरह ये सब। तो हम लोग सेरोलॉजी के में क्या क्या देखेंगे, ब्लड ग्रुप, हीमोग्लोबिन, ह्यूमन लिकोसाइट एंटीजन, ब्लड ग्रुप, हीमोग्लोबिन, आते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप ऐसा डायग्राम बस समझने के लिए बना लेंगे, आगे पूरी स्पेलिंग के साथ सब कुछ आएगा, पूरा लिखेंगे अपन। HLA ह्यूमन लिकोसाइट एंटीजन, G6PD एंजाइम होता है, इम्यूनोग्लोबिन, ये सब चीज़ें, ठीक है। नॉन सेरोलॉजिकल क्राइटेरिया जैसे टेस्टिंग एबिलिटी, सेक्रेटरी स्टेटस, इस बेसिस पे होता है। टेस्टिंग एबिलिटी जैसे PTC होता है, फिनाइल थाई कार्बोमाइट, तो कुछ लोग टेस्ट कर पाते हैं उसको, कुछ लोग नहीं कर पाते, उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है। फिर एक पॉलीजेनिक क्लासिफिकेशन होता है, जैसे डर्मेटोग्लाइफिक्स, डर्मेटोग्लाइफिक मतलब आपके जो हाथ की रेखा, इन सब के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन होता है रेसिस का। वो DNA बेसिस पे, जैसे क्रोमोसोम लेंथ इसके बेसिस पे होता है, माइटोकॉन्ड्रियल DNA के बेसिस पे होता है। तो ये वाला डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका रेशियल क्लासिफिकेशन का, तो इसमें अपन लिख लेते हैं सब कुछ। तो ये आपको बेसिकली समझाने के लिए था कि रेशियल क्लासिफिकेशन क्या था, साथ में आपने डायग्राम भी बना लिया। अब अपन लिखते जाते हैं, ठीक है। रेशियल क्लासिफिकेशन के अंदर लिखिए, रेशियल क्राइटेरिया है क्या, रेशियल क्लासिफिकेशन करते क्यों है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो इसमें लिख लीजिए रेसिज्म। अब ये वाले लिखिए कि रेस इज अ बायोलॉजिकल कंसेप्ट, इट इज़ अ क्लासिफिकेशन डिवाइस इन जूलॉजिकल फ्रेमवर्क, जो हमने पीछे लिखा था वही चीज है। तो रेस इज अ बायोलॉजिकल कंसेप्ट, इट इज अ क्लासिफिकेशन डिवाइस इन बायोलॉजिकल फ्रेमवर्क। तो इसमें लिखिए सर दो टाइप के वो होते हैं, तो फिर उसके बाद ये वाला आपका डायग्राम हो जाएगा पूरा, ठीक। फिर ये लिखे कि रेशियल क्राइटेरिया क्या होते हैं, किस बेसिस पे, तो ये लिखे रेशियल क्राइटेरिया आर द एट्रीब्यूट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच ह्यूमन बींग्स हैव बीन डिवाइडेड इंटू डिफरेंट रेसेस। रेशियल क्राइटेरिया आर द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ विच, या रेशियल क्राइटेरिया आर द फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच ह्यूमन पॉपुलेशन हैज बीन डिवाइडेड इंटू वेरियस रेसेस सच एस निगरॉइड, NEGROID, निगरॉइड, कॉमा CAUCSOID, कॉकेसॉइड एंड मंगोलॉइड, MANGOLOID, मंगोलॉइड, ठीक। फिर देयर आर टू टाइप ऑफ रेशियल क्राइटेरिया सच एस मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिक विच आर यूज फॉर रेशियल क्लासिफिकेशन। तो रेशियल क्राइटेरिया जो है ना सर, ये जो रेशियल क्राइटेरिया दो टाइप के होते हैं, एक तो मॉर्फोलॉजिकल और एक हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिक के बेसिस पे हम लोग रेशियल क्राइटेरिया को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, ठीक। फिर इसमें आते जाइए, जो आपका था ना मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिक, ये दो टाइप हो गए, इसके अंदर फिर सब टाइप्स। तो अभी अब हेडिंग डाल लिया मॉर्फोलॉजिकल क्राइटेरिया। मॉर्फोलॉजिकल क्राइटेरिया के पहले अंदर डालिए मॉर्फोस्कोपिक क्राइटेरिया, ठीक। तो मॉर्फोलॉजिकल क्राइटेरिया के अंदर हम क्या बोल रहे हैं, मॉर्फोस्कोपिक क्राइटेरिया। मॉर्फोस्कोपिक क्राइटेरिया आपको भी बताया था, मॉर्फोस्कोपिक क्राइटेरिया क्या होते हैं, वो क्राइटेरिया जिनको कि आप मेजर नहीं कर सकते। तो हमने वो क्या बोला, ये जो क्राइटेरिया जिनको कि हम मेजर नहीं कर सकते, जो कि बाहर रहते हैं, आउटर बॉडी में रहते हैं, तो उनको हमने क्या बोला था, मॉर्फोलॉजिकल क्राइटेरिया। तो लिख लिए मॉर्फोलॉजिकल क्राइटेरिया में, मॉर्फोलॉजिकल में पहली हेडिंग डालिए मॉर्फोस्कोपिक क्राइटेरिया, MORPHO SCOPIC, मॉर्फोस्कोपिक, CRIT आ रही है, मॉर्फोस्कोपिक क्राइटेरिया। इसके ब्रैकेट में लिखिए नॉन मैट्रिक क्राइटेरिया। नॉन मैट्रिक मतलब इसे आप मैट्रिक ऐसे नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, तो वही चीज़ है। तो इसके चाहे तो यहाँ पे ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़ लिख सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्राइटेरिया में। पहला क्या है, इट इज नॉन मैट्रिक क्राइटेरिया। दूसरा सब पॉइंट क्या जाएगा, मेनली टॉक्स अबाउट आउटर अपीयरेंस। पहला इट इज नॉन मैट्रिक क्राइटेरिया, दूसरा इट मेनली टॉक्स अबाउट आउटर अपीयरेंस, दीज आर कंटिन्यूअस इन नेचर, दीज आर प्रोन टू एनवायरमेंट, मतलब एनवायरमेंट के इफेक्ट के साथ चेंज हो जाते हैं, ठीक है। फिर दे प्ले नो रोल इन इनहेरिटेंस। ठीक, तो ये क्या हो गया आपके मॉर्फोस्कोपिक क्राइटेरिया। अब सर मॉर्फोस्कोपिक क्राइटेरिया का मतलब जिनको अपन